हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव एवं स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, दिए गए चित्र में हमारे पास आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित एक गोली वलय है। इस वलय के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, यहां से इस वलय की परिधि पर हमने एक अल्प लंबाई DL ले लिया। इस अल्प लंबाई पर माना इस अल्प लंबाई पर एक अल्प आवेश DQ स्थित है। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस अल्प आवेश DQ बराबर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं। इसमें देखिए, हमारे पास एक आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित एक गोली वलय है, जिसका केंद्र O है। इसके केंद्र से यक्ष दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कहूंगा अगर ये दूरी यक्ष है, ये दूरी R है, तो ये इसका कर्ण होगा। और कर्ण कैसे निकालेंगे दोस्तों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अगर इस पूरी दूरी को हम आर मान लें तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे एक चीज और देखना जरूरी है दोस्तों, जब इस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यह दो घटकों में बढ़ जाएगा। पहला क्षैतिज घटक DE cos थीटा और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस आवेश DQ के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE परिमाण में इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर और विपरीत होगा। मतलब इन दोनों आवेशों के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर होगी और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नीचे की ओर होगी। तो चूंकि एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, इस दशा में इस संपूर्ण गोली आवेश पर केवल और केवल क्षैतिज घटक के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। क्लियर है? तो अगर मैं कहूं, देखिए, वलय की एक सूक्ष्म भाग DL पर अल्प आवेश DQ हो, तो हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाता है दोस्तों DQ अपान DL। समीकरण नंबर एक। अब यहां से देखिए, यदि आप लोग DQ का मान निकालेंगे तो DQ बराबर हो जाएगा लैम्डा DL। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा गया है, वलय के एक सूक्ष्म भाग DL पर अल्प आवेश DQ बराबर लैम्डा DL। अब आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वह केवल और केवल DE cos थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं। भाई जितना इसके कारण उतना ही इसके कारण, तो ये इसकी दिशा ऊपर की ओर, इसकी दिशा नीचे की ओर, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तब भी दोस्तों इसके कारण ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE sin थीटा और उसके विपरीत इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बी ई साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास केवल और केवल 36 घटक के कारण ही उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो हम क्या कहेंगे, यदि हमें संपूर्ण गोलीय आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है तो वह डीई कॉस थीटा के रेखीय समाकलन के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस गोलीय आवेश के कारण इस गोले पर एक समान रूप से वितरित आवेश Q के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम DE cos थीटा का समाकलन ज्ञात कर लेंगे। यहां लिखेंगे दोस्तों, सूक्ष्म आवेश। चलिए दोस्तों, अब देखिए सूक्ष्म आवेश DQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो सूक्ष्म आवेश DQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र DE बराबर हो जाएगा 1/4πε0 DQ cos थीटा, क्लियर है, अपान उनके बीच की दूरी। चलिए, तो अगर हम संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है तो देखिए संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये समाकलन डीई हो जाएगा और समाकलन डीई का वैल्यू कितना आएगा, E आएगा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा समाकलन 1/4πε0 dq into √r² + x² cos थीटा। दोस्तों यहां से क्या हम cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए इस चित्र में अगर यह कोण थीटा है, यह कोण थीटा है तो मैं कहूंगा इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, देखिए अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x अपान कर्ण, कर्ण का मान है √r² + x². अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो cos थीटा बराबर हो जाएगा x अपान ये हो जाएगा r² + x², ये कर्णी हटेगा दोस्तों तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। चलिए इस मान को अगर यहां पे रखा जाएगा तो e बराबर हो जाएगा समाकलन 1/4πε0 dq cos थीटा, यहां पे cos थीटा का हमें मान रखना है, cos थीटा बराबर है x अपान यक्स अपान r² + x² power 1/2। यहां पे देखिए दोस्तों ये स्क्वायर से कर्णी हट जाएगा तो यहां पे केवल r² + x² बचेगा। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन dq into x अपान नीचे देखिएगा 4πε0 into यहां पे देखिए आधार समान है दोनों में दोस्तों, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी तो 1 में कितना जोड़ेंगे 1/2, तो ये आएगा r² + x² पावर देखिए 2 × 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर आ जाएगा समाकलन dq x अपान, यहां से देखिए अचर राशियां बाहर आ जाएंगी तो अचर राशियां क्या है, सब dq को छोड़कर हम बाकी सब राशियों को समाकलन के बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 ऊपर से क्या आएगा into x अपान
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू समाकलन डी क्यू। और फाइनली सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4π ε0। यहाँ पे एक्स इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू, अपान क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे देखिए चूंकि आर छोटा है एक्स से इसलिए आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या करेंगे हम ये दूरी नगण्य मान लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4π ε0 इंटू एक्स इंटू क्यू अपान, देखिए ये जीरो हो गया दोस्तों, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π ε0 एक्स इंटू क्यू अपान, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यू, एक एक्स यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π ε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ये तो किसी बिंदु पर, ठीक है, ये जो सूत्र है वह किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किसी गोली आवेश पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E बराबर 1/4π ε0 इंटू एक्स क्यू इंटू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होगा।